पाठ का शीर्षक है दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। महाराज की जय हो। दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो हुक्म महाराज। आज के दरबार में क्या विषय है? महाराज, पूर्वी सीमा के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें हाजिर किया जाए। अनुमति है। पूर्वी सीमा के लोग हाजिर हो। महाराज की जय हो। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जो हुक्म महाराज। आज के दरबार में क्या विषय है? महाराज, पूर्वी सीमा के लोग फिर से आपसे मिलना चाहते हैं। अनुमति है। पूर्वी सीमा के लोग हाजिर हो। महाराज, हम हर रोज वस्त्र पे, इत्र पे और नृत्य पे कितना हजारों रुपए खर्च करते हैं। उसमें से कुछ धन इन गरीबों को दिया जाए तो इनकी जान तो बच जाए। तुम गरीब भिखारी, तुम मुझे उपदेश दोगे? मैं मेरे धन को उबालकर खाओ या तलकर, मेरी मर्जी। तुम इस विषय में ना पढ़ो, यही अच्छा है। छोटी हूँ बड़ी बात, 100-200 रुपए मांगते तो एक बार सोच भी लेता। और पैरोदारी की खुराक 2-4 दिन कम करके रकम पूरी भी कर देता, पर इन गरीबों का पेट 100-200 से नहीं भरेगा ना। एकदम से 10,000 रुपए मांग बैठे इन गरीबों के वजह से ना मैं घुटन हो गई है। नमस्कार।
नमस्ते, मैं भी हां दोषी और मेरी बहन लप्ती दोषी, हम दोनों ने मिलकर यह नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपके समय के लिए धन्यवाद।